हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर कन्फेशन के बारे में, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंदर आज हम लोग कन्फेशन को समझेंगे। ये कन्फेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर धारा 24 से लेकर धारा 30 के बीच में इससे जुड़े हुए पॉइंट डिस्कस हैं। लेकिन इनके अंदर जाने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि कन्फेशन होता क्या है। ये कन्फेशन जो है ये एडमिशन के ही टॉपिक के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर दिया गया है और इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जितने कन्फेशन होते हैं वो एडमिशन भी होते हैं, पर सारे एडमिशन कन्फेशन नहीं होते हैं। अब इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं तो इसके लिए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि कन्फेशन का मतलब क्या होता है। कन्फेशन का मतलब होता है जहां पे कोई एक व्यक्ति जो है गिल्ड का डायरेक्ट एडमिशन करे, जहां पे कोई एक व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए आरोपी है उस अपराध को वो डायरेक्टली तौर पे एडमिट कर ले कि हां मैंने किया है, तो इसको कन्फेशन बोलते हैं। अब कन्फेशन और एडमिशन के अंदर क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में बात करी है। मैंने सेक्शन 17 के ऊपर वीडियो बनाया है, 26 मिनट की वीडियो है, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करी है, एडमिशन और कन्फेशन में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन इसको ब्रीफ में हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि एडमिशन और कन्फेशन में क्या होता है। एडमिशन और कन्फेशन के अंदर जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उनमें से ये डिफरेंसेस हैं कि एडमिशन जो होता है वो सिविल मामले में किया जाता है और कन्फेशन जो होता है वो आपराधिक मामले में किया जाता है आमतौर पर। लेकिन और जो मेजर डिफरेंसेज हैं एडमिशन और कन्फेशन में कि इनमें फर्क कैसे किया जाए, वो फर्क ऐसे किया जाए कि अगर जहां पे कोई व्यक्ति जो है डायरेक्ट गिल्ट को डायरेक्ट अपराध को एडमिट कर ले कि हां मैंने किया है, ये कन्फेशन हो गया। लेकिन अगर डायरेक्ट अपराध को ना एडमिट करे पर इस बात को एडमिट कर ले कि हां जिस चाकू से उस व्यक्ति की हत्या हुई है वो चाकू मेरा ही है, या जिस बंदूक से उसकी हत्या हुई है वो बंदूक मेरे नाम की है। जैसे सपोज डैट फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक व्यक्ति के साथ एक घर में रात में एंट्री करता हूँ, सुबह उस व्यक्ति की हत्या हो गई होती है। अब जब पुलिस आती है मुझसे पूछताछ की जाती है तो मैं तो ये सारी चीज़ें एडमिट कर देता हूँ कि हाँ उस व्यक्ति के साथ मैं घर में आया, जिस बंदूक से उस व्यक्ति की हत्या हुई बंदूक मेरी ही है, जिस घर से हम लोग एंट्री करे उस दरवाजे को रात में बंद कर दिया था अंदर से, उस घर में आने का और कोई रास्ता नहीं है, मैंने इन सारी चीज़ को पुलिस के सामने एडमिट कर लिया। लेकिन मैंने ये एडमिट नहीं किया कि मैंने उस व्यक्ति की हत्या करी है। तो जितनी और चीज़ें मैंने एडमिट करी, जितने और फैक्ट्स को मैंने एडमिट करा और बातों को एडमिट किया कि हाँ दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था, वो मेरे साथ में रुका था, जिस बंदूक से मारा गया है वो बंदूक मेरे ही लाइसेंस उसका मेरे ही नाम से है, रात में मेरा उससे झगड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें एडमिशन हो गया। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि हाँ मैंने ही हत्या करी है, ये कन्फेशन हो गया। तो ये इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एडमिशन और कन्फेशन में। जैसे एक केस था वीरा इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, उसके अंदर एक व्यक्ति को पकड़ा गया, ट्रक लेके जा रहा था, ट्रक के अंदर जो है वो इलीगल सामान मतलब कि कंट्री से एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाने के लिए स्मगलिंग का सामान रखे हुआ था। तो जब उसकी ट्रक को पकड़ी गई तो उसके अंदर से सामान उतारा गया, तो वो अपने स्टेटमेंट क्या दे रहा है, अपने डिफेंस में क्या बोल रहा है वो व्यक्ति, वो कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे ट्रक के ऊपर जो है वो स्मगलिंग का सामान लाद दिया गया। तो अब देखिए यहाँ पे उसके पॉइंट में भले ही उसने कन्फेशन नहीं किया है कि ये मैंने किया है, लेकिन उसने एडमिशन तो कर दिया ना, उसने इस बात को तो मान लिया ना कि जो सामान ट्रक पे लदा हुआ है वो गलत है, वो इलीगल है, अवैध है, वो स्मगलिंग का सामान है, यहाँ पे एडमिशन हो गया। तो ये एडमिशन और कन्फेशन में एक बहुत बड़ा फर्क है। एक और भी बहुत बड़ा फर्क है एडमिशन के अंदर कि कन्फेशन के ऊपर सजा हो सकती है। अगर कन्फेशन जो है पूरे तरीके से सेटिस्फैक्ट्री है, जो इसके दो टेस्ट हैं कि अगर वॉलेंटरी बिना किसी दबाव के, बिना किसी इंड्यूसमेंट थ्रेट किसी दबाव के अगर कोई कन्फेशन कर दिया गया है और वो कन्फेशन सही है, न्यायालय को देखने पे लगता है कि वो बिल्कुल सही है, ट्रस्ट वर्दी है, तो उसके ऊपर सजा हो सकती है। लेकिन एडमिशन जो होता है ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 31 कहता है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, पर ये ऑपरेट करता है एज एन स्टॉपेल। अगर आपने किसी चीज़ के लिए एडमिशन कर दिया तो इसके लिए क्या असर पड़ेगा आपको, सबसे ज़्यादा वो असर ये पड़ेगा कि अब आप उस बात से पलट नहीं सकते हैं, आपको पलटने से उस बात से रोक दिया जाएगा। लेकिन कन्फेशन के ऊपर सजा हो सकती है पूरी, तो इसके अंदर फर्क है। तो ये सारे इसके अंदर फर्क है। अब इसके अंदर जो कन्फेशन होता है, अब ये कन्फेशन दो तरीके के हो सकते हैं, एक जुडिशियल कन्फेशन होता है और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है।
यानी एक न्यायिक कन्फेशन होता है और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है, एक्स्ट्रा न्यायिक कन्फेशन कह सकते हैं उसको। तो जुडिशियल कन्फेशन जो होता है, जिसको धारा 164 के अंदर, जो हम लोगों ने सीआरपीसी के अंदर ऑलरेडी कवर किया है, सीआरपीसी के धारा 164 के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसमें मैजिस्ट्रेट जो होता है वो जो व्यक्ति है उसका, जो अक्यूज्ड है उसका स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड करता है, धारा 164 का बयान जिसको बोला जाता है उसमें कन्फेशन रिकॉर्ड करता है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। उस कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के अंदर, उसके अंदर पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा, मजिस्ट्रेट देखेगा कि क्या वो वॉलेंटरी कर रहा है, मतलब कि जो दे कन्फेशन कर रहा है व्यक्ति, क्या वो किसी दबाव के तो नहीं कर रहा है। मजिस्ट्रेट उसको वॉर्न करेगा कि अगर तुमने कोई स्टेटमेंट दिया, कोई कन्फेशन किया, तो ये कन्फेशन मैं तुम्हारे अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें देखने के बाद मजिस्ट्रेट जो है उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड करेगा। तो ये हो जाता है ज्यूडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल कन्फेशन, जो कोर्ट के अलावा कोई व्यक्ति किसी और को देता है कन्फेशन, किसी बाहरी आदमी को, किसी थर्ड आदमी के सामने कोई बात कन्फेस करता है, तो ये एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल कन्फेशन है। हालांकि दोनों ही अगर सही तरीके से प्रूफ हो जाते हैं, सही वॉलेंटरीली प्रूफ हो जाते हैं कि हाँ जो व्यक्ति ने कन्फेशन किया वो वॉलेंटरी था और वो ट्रस्टवर्दी है, तो दोनों ही जो है एक तरीके से सब्सटेंटिव एविडेंस है। हालांकि एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल जो है थोड़ा सा वीक है, लेकिन उसके बाद भी एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल कन्फेशन के ऊपर सजाएं हो चुकी हैं, ऑलरेडी सजाएं हो चुकी हैं। तो जो टेस्ट हमने दो आपको मेन बताए थे कि पहला टेस्ट क्या है, इसको इसके ऊपर सजा होने के लिए अगर प्रोसिक्यूशन चाहता है, तो पहला टेस्ट तो ये देखा जाएगा कि क्या वो वॉलेंटरी किया गया है, मतलब क्या कोई बिना दबाव के वो किया गया है, क्या उसके ऊपर किसी तरीके का दबाव है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट या कोई तरीके का प्रॉमिस। अगर वो अपनी मर्जी से किया है, उस अभियुक्त ने अपनी मर्जी से किया है और जो उसने कन्फेशन किया है कोर्ट की नज़र में वो ट्रस्टवर्दी है, मतलब और चीज़ों को एनालाइज करने में, देखने में, समझने में कोर्ट को लगता है वो ट्रस्टवर्दी है, तो उसके ऊपर सजा हो जाएगी। अब एक चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ हम लोग समझते हैं कि स्टीफन ने एक डिफिनेशन हम लोगों को बताई कन्फेशन की, जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आप पढ़ेंगे। स्टीफन कहते हैं कि कन्फेशन जो है ये एक तरीके का एडमिशन है, एक तरीके का ये एडमिशन है गिल्ट का, उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो आरोपी है किसी अपराध का, जहां पे वो डायरेक्टली ये कह दे कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, या अगर डायरेक्टली ना कह रहा हो, कोई ऐसे तथ्य को मान रहा हो जिससे ये निष्कर्ष निकाला जा सके, ये इन्फ्रेंस निकाला जा सके कि हाँ इसने कन्फेशन कर लिया, हाँ ये कन्फेशन है, ये अपराध को मान रहा है। लेकिन जो ये स्टीफन की दी हुई डिफिनेशन थी, ये पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पेरर के केस में प्रीवी काउंसिल ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, मतलब एग्जैक्टली इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। इसमें कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि कन्फेशन को जो डिफिनेशन दी गई है, इससे बेहतर तरीके से इसको मॉडिफाई किया कि कन्फेशन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जहां पे कोई व्यक्ति जो है डायरेक्ट तौर से अपराध को एडमिट कर रहा हो, डायरेक्ट ये कह रहा हो कि हाँ मैंने हत्या करी है, ये डायरेक्ट अपराध को एडमिट कर रहा हो, या उससे जुड़े हुए उन तथ्य को, उन फैक्ट्स को एडमिट कर रहा हो जो फैक्ट जो है खुद में अपराध को बना रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैं एक व्यक्ति के साथ घर में रुका और मैं उस व्यक्ति की हत्या हो गई। अब अगर उस घर के अंदर मैं रुका, मैंने कुछ ऐसे फैक्ट्स एडमिट कर लिए जो खुद में ही बना रहे हैं अपराध को, जैसे मैंने बताया कि उस घर में आने का कोई रास्ता नहीं, अब वो चारों तरफ से घर बंद है, 1 बजे हम लोग एंट्री करें, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, 1 बजे हम लोग एंट्री करें, बाहर से आने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, अब मैं सारे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता चला जा रहा हूँ, हाँ मैं उसके साथ में गया, हाँ मैं उसके साथ रात में था, हाँ मेरी उससे लड़ाई हुई, लेकिन मैं अपराध को नहीं एडमिट कर रहा हूँ। तो जहाँ पे मैंने उन फैक्ट्स को एडमिट कर लिया जो खुद में अपराध बना रहे हैं, तो वहां पे भी इसको कन्फेशन मान लिया जाएगा। अब इसके बाद एक चीज और आती है कि ये चीज जो बताया गया पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पेरर के केस में, कि ये बताया गया कि इसके अंदर इस डिफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया स्टीफन के डिफिनेशन में। अब यहां पे एक नई चीज निकल के चली आई, एक नई चीज निकल के ये चली आई कि जो कन्फेशन होते हैं वो इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी कन्फेशन भी हो सकते हैं। जैसे कि कई लोगों ने कमेंट करके हमसे बोला था कि हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं इनकल्पेटरी एक्सकल्पेटरी के ऊपर, तो कन्फेशन जो है वो इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिएगा एक चीज, जैसे मेरे ऊपर आरोप लगा कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या कर दिया, मेरे ऊपर आरोप लगा कि मैंने उस व्यक्ति की हत्या कर दिया, जब मुझसे पूछा गया कि क्या मैंने उसकी हत्या करी है, मैंने मान लिया, मैंने कह दिया कि हाँ मैंने हत्या करी है,
लेकिन मैंने अपने बचाव में, अपने डिफेंस में उसकी हत्या करी है। मतलब अगर मैं ना उसकी हत्या करता तो वो मुझे मार देता, वो मुझे मारने आ रहा था, वो मुझे ग्रीवस हर्ट कर देता या मुझे जान से मार देता। अब यहां पे आप देखिए, दो बातें हो गई मेरे कन्फेशन में। मैंने पहले में क्या कहा कि हाँ मैंने हत्या करी है, दूसरे में क्या कहा कि मैंने अपने बचाव में की है। यानी इस कन्फेशन का एक बात जो है वो तो ये बात कह रही है कि हाँ मैं अपराधी हूं, और दूसरी बात जो है मुझे एकदम इनोसेंट बनाई दे रही है। तो अब यहां पे क्या किया जाए? तो अब यहां पे एक केस आता है पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। अब इस पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सबसे पहले जो प्रीवी काउंसिल में हमने बताया था कि जो डिफिनेशन दिया कन्फेशन की, उसको इस केस में एक्सेप्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। और प्लस यहां पे जो अभी हमने दो आपको सीन बताया कि बचाव में मैंने किसी की हत्या कर दी, एक तरफ मैंने ये भी एडमिट कर लिया मैंने हत्या करी, दूसरी तरफ कह दी अपने बचाव में करी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप कन्फेशन को एज अ होल ही एडमिट कर सकते हैं, मतलब पूरे कन्फेशन को एडमिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कुछ पार्ट रिजेक्ट कर दिया कुछ पार्ट एक्सेप्ट कर लिया। जैसे क्या हुआ कि अब जैसे हमने ये बात बोली कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या करी है लेकिन अपने बचाव में, अब कोर्ट ने क्या किया कि मेरे उस पार्ट को निकाल दिया कि मैंने अपने बचाव में किया है, बस इस बात पे कि हाँ मैंने हत्या करी मुझे सजा दे दिया। तो ये क्या हो, ये कौन सी बात हुई कि आपने उसके अंदर जो है आधा स्टेटमेंट निकाल दिया, आधा स्टेटमेंट जो है आपके काम का था जो मुझे सजा देने का, वो आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, तो आप उसको एज अ पूरा ही देखेंगे, पूरा ही एडमिट करेंगे। अगर पूरा एडमिट करने पे, मतलब पूरा न्यायालय में एडमिट करने पे ऐसा हो रहा है कि मुझे उस पर छोड़ा जा सकता है, मैं एक्विट हो सकता हूँ, मैं न्याय मुक्त हो सकता हूँ, दोष मुक्त बोलेंगे, दोष मुक्त हो सकता हूं, एक्विट हो सकता हूं, तो वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा। जैसे अब पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में क्या हुआ, एक औरत थी, उनके हस्बैंड की डेथ उन्हीं की मिस्टेक से हो गई। उनका हस्बैंड जो था वो एक तरीके का फोटोग्राफर था, तो फोटो के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं शीशी के अंदर कुछ लिखने विखने के लिए या फोटो बनाने के लिए, वो किसी तरीके का पॉइजनस सब्सटेंस था। तो उसका हस्बैंड एक वक्त बीमार था, तो उसने क्या किया, वही जो चीज़ थी जो फोटोग्राफ के लिए इस्तेमाल होती है वही उसने ले जाकर उसको टॉनिक की तरह पिला दिया। उसने पीने के बाद उसका हस्बैंड मर गया। जब उसका हस्बैंड मरा तो वो बहुत डर गई, वो डर गई, उसने क्या करा उसकी बॉडी को एक और व्यक्ति के साथ मिलकर उठा के कुएं में फेंकवा दिया। 2 महीने के बाद बॉडी मिली, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो क्योंकि इतनी ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी बॉडी कि पता नहीं चल पाया कि मौत कैसे हुई। तो अपने बचाव में जो उसने कन्फेशन किया, उसने कन्फेशन में ये बोला, ये सारी बात उसने बताया कि गलती से मैंने उसको एक शीशी दे दिया था जो उसके फोटोग्राफ के लिए इस्तेमाल होती थी, जिसको खाने की वजह से मर गया, पर मैं उससे इतना डर गई कि मैंने उसको उठा के कुएं में फेंकवा दिया। तो अब यहाँ पे एक बात से तो वो बुरी बन रही है और दूसरी बात से वो बच रही है। बुरी किस चीज से बन रही है कि उसने बॉडी को उठा के कुएं में फेंका, बच कहाँ से रही है कि उसने ये जो है मतलब बिना किसी क्रिमिनल इंटेंट के किया, क्योंकि उससे बाय मिस्टेक उसने ऐसा कर दिया, बाय मिस्टेक उसको उठा के वो शीशी दे दिया था अपने हस्बैंड को, उसने जानबूझ के थोड़ी ना अपने हस्बैंड को मारा था। तो एक पार्ट जो है इनकल्पेटरी हो गया, इनकल्पेटरी कौन पे, जहां पे उसको सजा हो सकती है, एक्सकल्पेटरी कौन सा, जिससे वो बच सकती है। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने उसका इनकल्पेटरी लेके एक्सकल्पेटरी निकाल दिया और उसको सजा सुना दिया। लेकिन फिर बाद में जब ये अपील हुआ, अपेलेट कोर्ट में गया, तो अपेलेट कोर्ट ने कहा कि आप इसको एज अ फुल ही एडमिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसके कुछ पार्ट निकाल दिया फिर कुछ पार्ट जो है इसके अंदर एक्सेप्ट कर लिया, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि कन्फेशन जो है वो कन्फेशन और एडमिशन जो है वो एज अ फुल ही एडमिसिबल होता है न्यायालय के अंदर, ऐसा नहीं कर सकते कुछ पार्ट निकाल दिया और कुछ पार्ट ले लिया, जिसको बोलते हैं इनकल्पेटरी एक्सकल्पेटरी। इनकल्पेटरी के अंदर जहां पे जो हमने बोला, जैसे जो हमने उदाहरण दिया था कि मैंने किसी की हत्या करी लेकिन अपने बचाव में, हत्या करी इनकल्पेटरी लेकिन अपने बचाव में किया एक्सकल्पेटरी। लेकिन अब एक केस आता है निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। अब थोड़ा सा जो ये पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बाद की जो रूलिंग चल रही थी कोर्ट की, अब इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन शुरू होने लगा, कुछ इंग्लिश डिसीजन भी आए थे उसका भी इस पे असर पड़ा था कि कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिनके अंदर अगर कोर्ट को लगता है कि जो व्यक्ति बोल रहा है, जो कन्फेशन कर रहा है, वो झूठा है, मक्कार है, अपने आप को बचाने के लिए एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट बोल रहा है, या उसका एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट जो है दूसरे फैक्ट से कोरोबरेट नहीं कर रहा है, तो उस तरह के केसेस में कोर्ट के पास ये पावर है कि उसका एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट निकाल के, वो स्टेटमेंट जो उसको बचा रहा है निकाल के इनकल्पेटरी स्टेटमेंट के ऊपर उसको सजा सुना सकता है।
जैसे अभी हमने जो केस बताया निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जैसे एक केस था, इसके अंदर क्या हुआ कि एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति की हत्या का आरोप लगा, ट्रेन के कंपार्टमेंट के ऊपर लड़ाई हुई, बाद में उस व्यक्ति को जिसके ऊपर आरोप लगा उसको देखा गया कि वो पानी में जाके अपना कपड़े को धो रहा है, खून का दाग निकाल रहा है, चाकू भी उसके पास बरामद हो गया, लेकिन अपने इस बयान में उसने क्या बोला, अपने बचाव में ये बोला कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसको किसी और ने मारा, ये तो मैं बचाव कर रहा था, बचाव में मेरे ऊपर खून की छिट्टी पड़ गई और खून की छिट्टी पड़ गई और जो उसका कपड़े में अगर कुछ गंदगी लगी या उसके पास चाकू निकल आया, ये सब बचाव बचाव में मतलब लेने देने में उसके पास आ गया, ये उसने नहीं किया ये, लेकिन ये बात जो थी उसकी एक्सकल्पेटरी जो उसको बचा रही थी ये दूसरे फैक्ट से कोरोबोरेट नहीं हुई, क्योंकि उसके पास चाकू भी निकल आया, उसके पास खून भी निकल आया, लोगों ने उसको भागते हुए देखा, वो पानी में बैठ के कपड़ा भी अपना धो रहा था, तो कोर्ट ने क्या करा उसके इस एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट को निकाल के इनकल्पेटरी के ऊपर उसको सजा सुना दिया। तो ये हम लोगों का कन्फेशन जो है लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। एविडेंशियरी वैल्यू के बारे में आपको बता ही चुके हैं इसके, अब इसके अंदर और कोई चीज़ बची नहीं है, सारे पॉइंट जो है मेन जो है हम लोगों के कवर हो गया है।